भैया उठ जाओ, पापा चिल्लाएंगे, जल्दी उठ जाओ। हाँ उठ रहा हूँ। कुछ गए ना आप जाते? इतनी चाय थी? अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं। पापा आप हमेशा भैया को ऐसे ही बोलते हो। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर वही बात है, अपनी कामचोरी और लापरवाही को बीमारी का नाम मत दो। वैसे भी सारे काम मैं और तुम्हारी मम्मी कर देते हैं, तुम दोनों भाई बहनों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। बस हम तुमसे इतना चाहते हैं, तुम दोनों भाई बहन पढ़ कर कामयाब हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इतना भी नहीं कर सकते? पापा पर मेरी बात तो सुनिए। भास्कर बेटा, तेरे पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारा भला ही चाहते हैं। ले नाश्ता कर ले। हाँ हेलो। हेलो। हाय भास्कर, कैसा है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। रुक, हम शांश को भी ऐड करती हूँ ना। हेलो भास्कर, कैसा है? हेलो, हाय। नहीं यार कुछ भी अच्छा नहीं है यार। इधर फ्यूचर का टेंशन, फिर पढ़ाई का टेंशन, फिर बैकलॉग का भी टेंशन है। कुछ भी सही नहीं है यार, कुछ भी अच्छा नहीं है। अरे यार, वो सब ज्यादा सोचने के कारण होता है, तू टेंशन मत ले। देख यार, तू इतना ज्यादा मत सोच, जितना ज्यादा सोचेगा ना उतना पगलाएगा। पागल तो तू था ही। अरे यार निधि, किसको कॉल करवा दी? पूरा मूड खराब कर दिया। अच्छा चल बाय। हाँ यार चल ठीक, बाय। ओए कॉल क्यों नहीं उठाया मेरा? उदास क्यों बैठा इतना? नमन भैया, आजकल भैया ऐसे ही बहुत उदास रहते हैं। क्या हुआ भाई मुझे बता। कुछ नहीं यार छोड़, बाकियों की तरह तू भी मेरे पे ऊपर हंसेगा, मुझे पागल बोलेगा। रहने दे भाई रहने दे। अरे भाई क्या हुआ मेरे को बताना, मेरे पे भरोसा कर तू। कुछ नहीं यार, करियर का टेंशन, इधर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं है यार। छोड़ रहने दे, मेरी किस्मत ही खराब है यार। छोड़। सुन अपन डॉक्टर के पास चलते हैं, उसके पास ना तेरे हर प्रॉब्लम का सलूशन होगा भाई। चलो ठीक है। हेलो डॉक्टर, ये मेरा दोस्त है भास्कर। डॉक्टर, मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर, करियर का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, कुछ ठीक नहीं लगता डॉक्टर। करियर की चिंता मतलब स्ट्रेस है तुम्हें, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो। अब मैं क्या करूं डॉक्टर, सबको लगता है कि मैं पागल हूँ, सबको लगता है कि मैं ये जानबूझकर करता हूँ, अब मैं क्या करूँ? अच्छा मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। आपने सिंघानिया साहब को पैसे पहुंचा दिए? पापा आज आपने पिकनिक में ले जाने का प्रॉमिस किया है। पूजा रुको, देखो पापा बिजी है ना, प्रॉमिस किए हैं तो ले जाएंगे। आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, अब मेरी सारी फाइल्स रेडी रखें। हाँ मैं जल्दी ऑफिस आता हूँ। अरे पर आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, पूजा हमेशा दुखी हो जाती है। सुनो बच्चों को तुम ले जाओ, अगली बार हम सब साथ में चलेंगे। पापा नेक्स्ट टाइम कभी आता ही नहीं है, आप हमेशा ऐसा करते हो, अपना प्रॉमिस हमेशा तोड़ देते हो। सबके पेरेंट्स सबको साथ लेके जाते हैं, एक मैं ही बस हूँ जिसके पापा नहीं आते। अरे ये क्या तरीका हुआ बात करने का अपने पापा से? और आप हमेशा बिजी रहते हैं, कभी तो फैमिली के लिए भी टाइम निकाल लिया करें। मॉर्निंग नीरज। मॉर्निंग। आज की तुम्हारी मीटिंग अच्छी थी, तुम्हारे आइडियाज और थॉट्स बहुत अच्छे थे। थैंक यू। जिंदगी के बारे में? तुम कौन है? मेरे घर में कैसा है? सिक्योरिटी गार्ड्स? तुम परेशान हो, थक गए हो दो जिंदगियां जीते जीते। एक तरफ तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, पर दूसरी तरफ तुम्हारा तो कोई समझता ही नहीं। अब थक गया हूं अपनी जिंदगी से, हंसता तो हूं पर खुश नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैं खुश रहना नहीं चाहता, पर क्या करूं हो ही नहीं पाता। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ, बहुत कोशिशें की हैं तुमने फिर भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। बेटे गुस्सा है तुम्हारे तुमसे, बीवी परेशान है तुम्हारे लिए,
तुम्हारे सामने सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं ऑफिस में, पर पीठ पीछे। थक गया हूँ अब मैं इस जिंदगी से, मेरी वजह से ही सारी परेशानियां हो रही है। अब मुझे और नहीं जीना, मैं नहीं रहूंगा तो सारी परेशानियां भी नहीं रहेंगी। जिंदगी से तो छुटकारा मिल ही जाएगा तुम्हें, पर क्या तुमने कभी ये सोचा है तुम्हारी बेटी का क्या होगा, तुम्हारे इस परिवार का क्या होगा? हाँ माना, जिंदगी में अभी काफी मुश्किल है, पर हर रात के बाद सुबह तो जरूर होती है ना? नहीं, अब और कोई सुबह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर नीरज ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली, उसका पूरा परिवार टूट गया। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। गुड्डू की मम्मी जरा पानी लाना। ये पानी। अरे वाह, मेरी बेटी मेरे लिए पानी लाई है। विद्यालय वालों ने फीस मांगी है, दूध वाले ने अपना पैसा और मकान मालिक ने अपना किराया मांगा है। हाँ तो ये मजदूरी के पैसे से पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके सबका हिसाब चुका दूंगा। पूरा तो दे भी नहीं पाओगे, जमीन में जितना भी अनाज होता है सब वो जमींदार ले जाता है और बचे हुए अनाज से भी पैसे मांगता है। अरे मैं धीरे धीरे करके सबका उधार चुका दूंगा, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? बाबा आज मालिक ने मजदूरी के कुछ ज्यादा पैसे दिए, ये लीजिए। तेरी तरह बच्चों की भी पढ़ाई छुड़वानी पड़ेगी, इन पैसों से मैं विद्यालय की फीस भरूंगी। हाँ ठीक है, वो सब छोड़ो, खाना लगाओ। खाने में बस चावल है और कुछ नहीं। अरे बाबा मुझे तो यही खाना पसंद है, आप उदास मत होइए, हम सब्जी के साथ कभी और खा लेंगे। फिर से चावल? अब तो यही हमारा मनपसंद खाना है। अनाज का एक दाना नहीं बचेगा अगर कल जमींदार आ गया तो। हवा हो कोनो घर में। मेरा पैसा कब देगा रे? कौन से मुहूर्त में बोल। मालिक अब मैं क्या करूंगा, कैसे भरूंगा अपने बच्चों का पेट? मुझे कम से कम एक हफ्ते की तुम्हारे दे दीजिए। तू जैसे भी दे मेरा पैसा, ये तो तेरी छोटी सी जमीन, उसका आधा अनाज भी बेच के मेरा कोई फायदा नहीं हो जाता। या तो तू मेरा पूरा पैसा वापस कर, या तो तेरी जमीन और तेरा घर दोनों हड़प लूंगा। यही सोच रहे हो तुम्हारे परिवार का गुजारा कैसे होगा? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बेटी की स्कूल की फीस जमा नहीं है। तुम्हारा बेटा गुड्डू उसने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी शुरू कर दी, दूध वाला और ये जमींदार रोज तुमसे पैसे मांगते हैं कि कैसे जिंदगी जी रहे हो तुम और बेचारा तुम्हारा परिवार। हम अपने खाने में जहर मिला देते हैं, जब हम सब मर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो तुम्हारे मर जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुमने अपने परिवार के बारे में कभी सोचा है? तुम्हारी बेटियां जो इतनी समझदार हैं, तुम्हें बुरा ना लगे इसीलिए झूठ बोलकर अपना मन मारकर रोज चावल खा लेती हैं। तुम्हारा बेटा जिसने पढ़ाई छोड़ दी तुम्हारी मदद करने के लिए, इतने अच्छे परिवार को छोड़कर तुम मर जाना चाहते हो? तो हम क्या करें, कोई और रास्ता भी तो नहीं है? रास्ते तो बहुत हैं,
तुम गलत रास्ता चुनने की सोच रहे हो। आज वक्त बुरा है तो क्या, कल अच्छा आएगा। सब्र करो, मेहनत का रास्ता चुनो, खुद खुशी का रही। और तुम्हें पता है, कुनाल ने अपनी जमीन जमींदार को बेच दी और वह अपनी जमीन पर खुद काम करने लगा। उसका बेटा गुड्डू मजदूरी करने लगा तथा उसकी बीवी रितिका ने गांव वाली महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई का कार्य शुरू किया। इस तरह उसने अपनी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर किया। परमात्मा हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, जैसा कि हमने इन दोनों कहानियों में देखा। परंतु अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। मैं क्या करूं, ये दुख है कि खत्म ही नहीं होता। ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ये गलत रास्ता चुनोगे? जरा पीछे देखो, अपने परिवार को देखो, उनके बारे में भी तो सोचो। कितना प्यार करते हैं वो तुमसे, सबको तुमसे कितनी उम्मीदें हैं। और आज सुनी हुई इन कहानियों को भी तो याद करो। ये मैं क्या करने जा रहा था, अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा।